पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, ये असली वाला है। फिल्म रनवे 34 में अजय देवगन द्वारा निभाए गए पात्र का पेशा क्या है? What is the profession of the character played by Ajay Devgan in the movie Runway 34? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए खिलाड़ी, बी पुलिस अधिकारी, सी नाविक या डी विमान चालक, एन एथलीट, पुलिस ऑफिसर, सेलर और डी पायलट। समय हो गया समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी पायलट, विमान चालक, पायलट। ऑलराइट, देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ओहो, 1, 2, 3, 4, 5 लोगों ने रनवे 34 देखा ही नहीं है, दुर्भाग्यवश हमारे लिए। ऑलराइट, तो इन लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? प्रख्यात शेट्टी जी का, 0.95 सेकंड। ऑलराइट प्रख्यात जी, तो लीडर बोर्ड में जो स्थिति बनती है वो ये, प्रख्यात शेट्टी जी नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न, रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। पोषण के संबंध में BMI का क्या अर्थ है? विद रिस्पेक्ट टू नरिशमेंट, व्हाट डज BMI स्टैंड फॉर? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने, ए बिलो मेडिकल इंटरेस्ट, बी बोन मसल इंटरैक्शन, सी बेसिक मेडिकल इश्यू और इज इट डी बॉडी मास इंडेक्स। हो गया समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी बॉडी मास इंडेक्स, BMI। डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम, 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? रोचक दीक्षित जी का, 1.25 सेकंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे प्रख्यात शेट्टी जी नंबर 1 स्थान पे थे और अभी भी प्रख्यात नंबर 1 स्थान पर बैठे हुए हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। कितने भारतीय राज्यों की सीमा चीन और बांग्लादेश दोनों से लगती है? हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विद चाइना एज वेल एज बांग्लादेश? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, A0, B1, C2 या D3। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विथ चाइना एज वेल एज बांग्लादेश? समय हो गया समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? A0, 0। कोई भी स्टेट जो है वो दोनों चीन और बांग्लादेश से नहीं मिलता। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इधर भी 0 हो गया है, हे भगवान। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती। प्रख्यात शेट्टी, प्रख्यात, बधाई बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। मेरे संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं प्रख्यात शेट्टी जी। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एसोसिएट हैं, am I right प्रख्यात? Yes, sir. और ये मंगलुरु कर्नाटक से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और अभी जब हमने देखा आपको यहाँ आते हुए, बहुत सारे आपके परिवार के जन जो है भावुक हो गए, तो कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए आज? मेरी मदर एंड मेरे सिस्टर आई है। आपकी मदर आई हुई है, प्रणाम करता हूँ आपको माता जी। नमस्कार, नमस्कार। और आपका शुभ नाम? मल्लिका के शेट्टी। ओहो, मल्लिका जी। और प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, बहुत सुंदर नाम, हमारे घर का नाम भी प्रतीक्षा। बहुत से लोग पूछते हैं आपने अपने घर का नाम प्रतीक्षा क्यों रखा? हमने कहा हमने नहीं रखा, बाबूजी ने रखा है। Yes. तो हमने बाबूजी से पूछा प्रतीक्षा क्यों चुना आपने? उनकी एक पंक्ति है उनकी कविता में, स्वागत सबके लिए यहां पर नहीं किसी के लिए प्रतीक्षा। ओके प्रख्यात। Yes. कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ आते हुए? बहुत खुश हूँ। हाँ,
मैं जब भी शो देखता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि 20 साल 21 साल 22 साल से ट्राई कर रहे शो पे आने का. जी जी. मैं खुद 21 साल का हूँ तो मैं तो जब से पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले से ही शो तो मेरे लिए काफी प्राउड मोमेंट है. एंड ये फैमिली में मेरे डैड का एंड मेरी मॉम का दोनों का सपना रहा है. आज उनका ब्लेसिंग्स है एंड मैं आपका ब्लेसिंग्स चाहूंगा सर. काफी सारे ड्रीम्स लेके आया मैं यहाँ पे. कुछ फैमिली के है, इतने मम्मी ने डैड ने काफी सपने लेके, कभी सोचा नहीं था लेकिन यहाँ पे आऊंगा तो एक ही रात में आई मीन ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. आई डोंट थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं पे मिल सकता है कि ओवरनाइट लाइफ चेंज हो जाएगा. चलिए इस खेल की शुरुआत करते हैं. गेम के रूल्स आपको पता है और 3 लाइफ लाइन रखी हुई आपकी सुविधा के लिए. ऑडियंस फॉर 50-50 वीडियो कॉल ऑफ. ओके तो चलिए जमा दिनों के प्राणनाथ हमारे ज्ञाननाथ जी कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं. हम शुरू करते हैं. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. जोरदार ताली बज जाए एक बार. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑलराइट पहला प्रश्न 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. इनमें से क्या एक मसालेदार या तीखी खाद्य वस्तु है जिसे अक्सर भारतीय भोजन के साथ खाया जाता है. ऑलराइट Which of these is a spicy or a tangy accompaniment often eaten along with Indian meals? And here are the options. A. Laddu. B. Achar. C. Payasam. Ya D. Hummus. Laddu, Achar, Payasam, ya Hummus. So, iska answer B. Achar hai. B. Achar. Kya kare? B ko lock kiya jaye. B ko lock kiya jaye. Sahi jawab diya hai aapne. सर ऐसा है कि कोई भी भारत का भोजन जो है ना बिना अचार के पता नहीं क्यों स्वादिष्ट लगता ही नहीं है. यस सर. और भारत में अचारों की संख्या जो है उतनी ही है जितनी सब्जियां और संस्कृतियां हैं. अलग अलग तरह के अचार बनते हैं कि नहीं. सही बोल रहा हूँ कि नहीं है ना. अलग अलग तरह के अचार बनते हैं. ओके आपके फेवरेट फूड क्या है प्रखर. सर मुझे तो इसमें पायसम आया मेरा स्वीट डिश वो फेवरेट. पायसम आपका फेवरेट है. यस सर. ओह मेरी मम्मी बनाती है. वो बनाती है जब त्योहार होता है घर पे. ओके ऑलराइट सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ. आपको कौन सा अचार पसंद है सर. सर साधारण कोई अचार हो. सर आम का हो तो ठीक है न हो तो भी ठीक है. आम का अचार हो, नींबू का अचार हो, मिर्ची का अचार हो और बहुत से भी हैं. अब उनका नाम गिनते जाएंगे तो समय निकल जाएगा. ऑलराइट प्रख्यात आगे बढ़ते हैं. दूसरा प्रश्न रेडी. यस 2,000 रुपीज क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन नाउ. ब्राउजर पर किसी वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए आमतौर पर इनमें से किस शब्द का उपयोग होता है. Which of these terms is commonly used for reloading the same web page on a browser? और आपके options ये रहे आपके सामने. A. Refresh. B. Restart. C. Reboot. D. Renew. Commonly used to reloading the same web page on a browser. इसका answer A. Refresh है. Refresh? Yes sir. A को lock किया जाए. A को lock किया जाए. Refresh. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा प्रश्न 3,000 रुपए प्रख्यात. ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. एक क्रिकेट बल्लेबाजी क्रम में नंबर 3 बल्लेबाज कितने विकेट गिरने के बाद आता है. इन अ क्रिकेट बैटिंग लाइनअप द नंबर 3 बैट्समैन कम्स इन आफ्टर हाउ मेनी विकेट्स हैव फॉलन. एर ये रहे आपके ऑप्शन. ए 0, बी 1, सी 2 और इज इट डी 3. 0, 1, 2 या 3. इसका आंसर बी 1 है सर. बी 1? यस सर. क्या करें? बी को लॉक किया जाए. बी को लॉक किया जाए इज द राइट आंसर. वेल डन. नंबर 3 पोजीशन को वन डाउन पोजीशन भी कहते हैं और ये किसी भी फॉर्मेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन होती है. हमारी क्रिकेट टीम में वन डाउन जो है अक्सर देखा गया है. विराट कोहली आते हैं ना सर. स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो करते हैं आप. सर इतना नहीं. इतना नहीं. ओके तो क्या फॉलो करते हैं आप. सर अभी तक तो पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई में बिजी था लेकिन मूवीज देखता हूँ. मूवी गाने सुनता हूँ. और फ्री टाइम मिलता है तो ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ थोड़ा. ओह बुक्स ऑलराइट.
सर बहुत अच्छी आदतें हैं आपकी, फिल्म देखते हैं ये बहुत अच्छी आदत है। आगे चलते हैं प्रख्यात, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से क्या AA और AAA यानी AAA एंड AA जैसे प्रकारों में आता है? इन इंडिया विच ऑफ दीज कम्स इन टाइप्स ऑफ AAA एंड AAA AAA? ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए, ए बैटरी सेल्स, बी कप्स, सी फिल्म्स, डी कार्ड्स। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। अरे कौन सी लेंगे लाइफलाइन? ऑडियंस वो लेना चाह रहे हैं। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी और ऑडियंस। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। भारत में इनमें से क्या AA और AAA जैसे प्रकारों में आता है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, समय शुरू हो गया आपका। सेवेंटी बैटरी सेल्स, प्रख्यात, क्या करेंगे आप? सर जनता के साथ जाऊंगा। ए के साथ जाएंगे, बैटरी सेल्स पे थला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, ऑडियंस को धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके प्रख्यात, आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। खेल का पहला पड़ाव आ गया है, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रख्यात ये एक इमेज प्रश्न है, पैकेजिंग पर ये चिन्ह है क्या दर्शाता है? What does this symbol on packaging indicate? Can we see the picture please? Seen? Yes. Alright. Options रखता हूं आपके सामने, ए स्टोर इन द डार्क, बी कीप ड्राई, सी दिस साइड अप, और इज इट डी फ्रेजाइल। अंधेरे में रखें ए, बी सूखा रखें, सी इस ओर ऊपर, या डी नाजुक। इसका आंसर डी फ्रेजाइल है। डी फ्रेजाइल, क्या करें? डी को लॉक किया जाए। डी को लॉक किया जाए, फ्रेजाइल, एब्सोल्युटली राइट। बोला टूटे हुए कांच का ये चिन्ह दर्शाता है कि डिब्बे के अंदर कुछ बहुत ही नाजुक सामान रखा हुआ है। ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है और यहां से अब आएगा छठा प्रश्न, और यहां से लेकर 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का। कोई ऐसी खास वजह है प्रख्यात जिसकी वजह से आप यहां आना चाह रहे थे? यस सर, 2019 में मेरे फादर का डेथ हुआ था। ओह आई एम सो सॉरी। तो उसके बाद से घर पे मेरी बहन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। कोविड के टाइम में फिर डैडी का एक सपना था कि बॉम्बे में एक खुद का घर हो, तो जब हमने खुद का घर लिया लोन पे हमको लेना पड़ा। okay. तो अब मैं जहाँ से आज मेरा मोटिव यही है कि मैं यहाँ से जितना भी जीत के जाऊँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो लोन रिपे करने का ट्राई करूँ। जी जी। एंड दूसरा मोटिव तो मेरी बहन अभी ऑफकोर्स 5 साल बड़ी है, तो उनकी शादी करानी है। oh, okay, तो okay, all right. उसके लिए अगर कुछ बचता है तो मैं उसके लिए। ओके प्रख्यात, हम उम्मीद करते हैं कि आपके मन के अंदर आपने जो संकल्प लिया है वो पूरा हो। वो कहते हैं ना, जब कोई अपनी आशाएं व्यक्त करता है और उसको बधाई के तौर पर देते हैं या आशीर्वाद देते हैं तो हम बोलते हैं आपके मुंह में घी शक्कर, है ना? आपकी जितनी भी बातें हैं वो पूरी हों। ऑलराइट, छठा प्रश्न, रेडी प्रख्यात? यस। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है, एक वीडियो दिखाएंगे आपको। इनमें से किस अभिनेत्री ने अपना हिंदी फिल्म पदार्पण इस फिल्म से किया था जिसका ये गाना है? Which of these actors made her Hindi film debut in the film this song is from? Can we see the video please? छन से जो टूटे कोई सपना,
जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ए अनुष्का शर्मा, बी दीपिका पादुकोण, सी श्रद्धा कपूर, डी आलिया भट्ट। इसका आंसर बी दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण? यस सर। मुस्कुराते हुए आपने उत्तर दिया है बी। क्या करें इसका? बी को लॉक किया जाए। बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब। दीपिका पादुकोण हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू जो था शुरुआत की थी ओम शांति ओम फिल्म से, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया था, जिनकी तस्वीर आपने अभी देखी। इससे पहले उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म में भी काम किया था। जी सर। उसकी जानकारी थी आपको? हाँ सर, उस फिल्म का नाम ऐश्वर्या था। वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण। ऑलराइट, ओके। तो देवी सज्जन, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये टी सीरीज के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनके लिए। ओके प्रख्यात जी, एक लाइफलाइन चली गई आपकी। आ रहा है सातवां प्रश्न 40,000 रुपए के। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी भौगोलिक विशेषता पूरी तरह से एक ही देश में स्थित है? विच ऑफ दीज जियोग्राफिकल फीचर्स इज सिचुएटेड इंटायरली विद इन वन कंट्री? ए हिमालयस, बी अरावली, सी इंडस रिवर, डी बे ऑफ बंगाल। हिमालय, बी अरावली, सी सिंधु नदी, या डी बंगाल की खाड़ी। सर ए तो नहीं होगा, हिमालय। हिमालय नेपाल के साथ भी शेयर करते हैं, इंडस पाकिस्तान से आता है, बे ऑफ बंगाल भी। सर बी अरावली इसको लॉक। बी अरावली इसको तल लगा दिया जाए कह रहे हैं। सही जवाब दिया है आपने। क्या सोच रहे थे इतनी देर? हिमालय जो है भारत नेपाल चीन भूटान तक फैला हुआ है। सिंधु चीन भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। कई देशों का प्रादेशिक जल जो है वो बंगाल की खाड़ी तक जाता है। अरावली पूरी तरह से भारत के भीतर है, उत्तर भारत में और थोड़ा सा पश्चिमी भारत में भी आता है अरावली माउंटेन रेंज। ऑलराइट, वेल डन प्रख्यात। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न पर। ओके सर, आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर एक मानवीय जांघ में कितनी हड्डियां होती हैं? नॉर्मली हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन थाई, योर थाई बोन। ऑलराइट जी सर। ऑप्शंस ए 1, बी 5, सी 3 या डी 4। 1, 5, 3 या 4। आमतौर से लाइफलाइन लूं। शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन लेंगे। दो बचे हुए हैं आपके पास प्रख्यात, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 50-50। ऑलराइट ज्ञाननाथ जी, 50-50 को अंकित कर दीजिए और प्रख्यात दो जो गलत ऑप्शंस हैं वो मिट जाएंगे, हटा दिया जाए। A1, B5। A1 को लॉक कीजिए। A1 को लॉक करें? Yes, sir. A1 पे कह रहे हैं लॉक किया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। हमारे शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी होती है वो उसको फेमर बोलते हैं,
यानी जांग की हड्डी होती फीमर, एक छोर पर नी होता है, दूसरी ओर पर हिप्स. दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी. बहुत ही काम वाली चीज होती है. सारा काम जो है उठना बैठना दौड़ना भागना सब इसी पे निर्भर होता है जांग में. ओके अभी जब आप आए थे यहाँ पर हमने आपसे पूछा था कि क्या विशेषता है आज आपकी यहाँ पर खेलने की और क्या करेंगे, तो आपने कहा कि बहन की शादी है उसके लिए आपको तैयारी करनी है. तो भाई साहब ये तो बहन की शादी हो गई. अपनी के बारे में क्या सोचा है आप? सर अभी तो सोचा नहीं है, अभी जस्ट खुद मतलब अभी जस्ट पास हुआ तो अभी लाइफ में स्टेबल हो रहा हूँ, तो अभी तो मेरे पे फोकस नहीं है घर पे, अभी तो पूरा फोकस बहन पे. तो मैं अभी नहीं, आपका फोकस बहन पे है लेकिन वो तो पारिवारिक हो गया ना. हाँ नॉन पारिवारिक कोई इधर फोकस. नहीं नहीं सर ऐसा कोई स्पेशल तो नहीं है सर, फ्रेंड्स है मेरे, स्पेशल कोई नहीं है. नहीं हम ये नहीं कह रहे कि स्पेशल हो, यदा कदर नॉन स्पेशल भी होता है चल जाता है ना, क्या है. नहीं सर no? अभी तो ऐसा कोई नहीं है बिकॉज अभी बहन है, सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड मेरी बहन है. क्योंकि जब ये प्ले अलोंग का पहली बार मुझे कॉल आया था तो मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला था, पहले मुझे लगा फेक होगा. हाँ. तो मैंने चुपके से अपनी बहन को कॉल किया, वो ऑफिस में थी, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा कॉल आया है, तो बोली कि वेट कर मम्मी को मत बोल वरना वो पूरा घर सर पे ले लेगी. तो चुपचाप बैठा, रात को जब फिर ऑडिशन हुआ तब मैं इंटरव्यू दे रहा था कुछ जॉब्स के लिए, तो मम्मी को लगा कि रात के 8 बजे कौन सा इंटरव्यू है तेरा, बोला कि है आप पेशेंट रहो. तो जब हुआ तब उनको, फिर जब मेरा पूरा ऑडिशन राउंड ख़त्म हुआ फिर मैंने उनको बताया तो उनको पता चला कि ऐसा है. लेकिन उनको फिर गुस्सा ये इस बात का है कि मेरी बहन को पहले पता था और उनको नहीं बोला. कितनी खूबसूरती से जो प्रश्न हमने पूछा था उसको टाल दिया. खैर छोड़िए साहब, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए. अच्छा प्रतीक्षा जी. हाँ सर. यस सर. क्योंकि आप इनके इतने नजदीक हैं. यस. कभी कभार नहीं इन्होंने कहा कि हमारा भी कुछ चलवा दीजिए? नहीं सर नहीं. तीर ऐसा कुछ नहीं है? नो नो नो. आपने कभी सोचा भी नहीं है कि भाई साहब के लिए कुछ करना चाहिए? ये सर बट वो इतना बुक्स में लगा रहता है, तो अभी तक तो सीए का प्रेशर था, तो नाउ आई कैन फोकस ऑन हिज पर्सनल लाइफ. तो या यस डेफिनेटली. इनका भी सोचिए कुछ क्या है कि अच्छे खासे हो गए, दाढ़ी मूछ सब आ गई है अब. अरे आपको हम बता दें देवी जी, आप तो महिला हैं, महिलाओं को इंट्रोवर्ट पर्सन बहुत पसंद होता है. सही बोला तुमने. अब ये भी पूछ लीजिए कि इंट्रोवर्ट क्यों पसंद है? क्योंकि वो लोग चुप रहते हैं. ज्यादा बोलते नहीं है, महिलाओं को ये अच्छा लगता है. आप चुप रहिए हम ही बोलेंगे. ओके नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का. रेडी? नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. प्रख्यात ये भी एक इमेज प्रश्न है. ये मूर्ति जो अब डॉक्टर भाव दाजी लाड संग्रहालय में है मूल रूप से किस द्वीप पर स्थित थी? दिस स्टैच्यू दैट यू अबाउट टू सी इन द इमेज नाउ एट द डॉक्टर भावदाजी लाड म्यूजियम वॉज ओरिजिनली लोकेटेड ऑन विच आइलैंड? कैन यू सी द इमेज प्लीज? देख लिया? Yes. All right. ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने. ए जंजीरा, बी उंदेरी, सी एलिफेंटा, डी सलसेट. सर प्लीज लॉक आंसर सी एलिफेंटा. सी एलिफेंटा पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. वेल डन.
एलिफेंटा जो गुफाएं हैं, केव्स हैं, वहाँ पर एक नाव से आप जा सकते हैं और इन पत्थर के हाथियों में से एक अब बाइकला के वीर माता जीजा भाई भोसले उद्यान में है। यहाँ की उत्कृष्ट 8वीं और 9वीं शताब्दी की नक्काशी जो है और भगवान शिव की कहानियाँ ये सब बताती हैं और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर जो है ये स्थल भी हो गया, यूनेस्को, यू नो, इट्स बिकम अ हेरिटेज साइट। ऑलराइट, ओके। ये जो इमेज देवियों सज्जनों आपने अभी देखा, ये डॉक्टर भावदाजी लाड म्यूजियम मुंबई के सौजन्य से हमें संभव हो पाया है, इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। प्रकट, एक छोटी सी सूचना और आपको बतानी पड़ेगी हमें। देखिए, अब आने वाला है 10वां प्रश्न, ओके। इस एक मौके पर आप बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। अगला प्रश्न जो है आपको खेल का दूसरा पड़ाव जो है वो पार करवा सकता है 3,20,000 रुपये यदि आपने सही उत्तर दिया तो। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपये। प्रख्यात, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके 50 वर्ष होने के अवसर पर 1990 के दशक में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी? टू मार्क 50 ईयर्स, विच ऑफ दीज डिड क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड विजिट इंडिया इन द 1990s? एंड हियर आर द ऑप्शंस। ए, इंडियन इंडिपेंडेंस। बी, इंडो चाइना वॉर। सी, डांडी मार्च। डी, इंडिया एज ए रिपब्लिक। भारतीय स्वतंत्रता, भारत चीन युद्ध, दांडी पदयात्रा, एक गणतंत्र के रूप में भारत। टू मार्क 50 ईयर्स ऑफ विच ऑफ दीज डिड क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड विजिट इंडिया इन द 1990s? सर, रिपब्लिक तो 1950s में हमें ये हुआ था, तो 50 ईयर्स उसका नहीं होगा। इंडो चाइना वॉर भी 1950 के बाद ही हुआ है। दांडी मार्च भी 50 ईयर्स 1990s में तो कंप्लीट नहीं हुआ। सर, इसका आंसर ए, इंडियन इंडिपेंडेंस होगा। लगा दें ताला? यस सर, ए। लॉक किया जाए? यस सर, ए, इंडियन इंडिपेंडेंस कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। कैसे अनुमान लगाया? सर, दांडी मार्च अगर मैं 1990s से 50 ईयर्स पहले पकड़ूँ तो 1940s के आसपास आता है, पर दांडी मार्च उससे पहले हुआ है। इंडो चाइना वॉर भी 19 इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ही हुआ है, एंड इंडिया एज अ रिपब्लिक भी 1950 को इंडिया एज अ रिपब्लिक ही हुआ। तो आई गेस इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। प्रख्यात वाला, 3,20,000 रुपये आप जीत गए, बहुत बहुत बधाई हो। और एक चेक आ रहा है आपके नाम, प्रख्यात, तालियां बजती रहे इनके नाम पे। यही हुआ प्रख्यात, सेफ रिक्वेस्ट है। ये चेक में मॉम को आप दिखा सकते हैं, आप उनको देना चाहते हैं? नहीं, आप उनको बता सकते, चलेगा, दिखा दें उनको। मॉम को देख लिया? देख लिया सर, देख लिया। 3,20,000 रुपये थैंक यू जीता इन्होंने अभी। थैंक यू सर। फाइनली जब 3-20 क्लियर हुआ, वो एक माइलस्टोन था, तो वो एक बहुत मुझे बहुत खुशी फीलिंग हुई। अगर आज मेरे डैड होते तो मैं श्योरली उनको भी लेके आता, वो सर के बहुत बड़े फैन है। आई जस्ट विश ही वाज हियर टुडे, दैट्स इट। मेरे डैड यहाँ पे होते तो आई डोंट थिंक मैं ना, तो काफ़ी खुश होते, दैट्स ऑल आई विल से। ऑलराइट, क्वीन एलिजाबेथ II ने 3 बार भारत का दौरा किया, जिसमें से तीसरी बार वो 1997 में भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वो आई थी। वो 1961 में गणतंत्र दिवस परेड में अतिथि के रूप में और 1983 में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में वो शामिल हुई थी। और भारत चीन युद्ध जो है, जैसा कि आप कह रहे थे, 1962 में हुआ था, डांडी मार्च 1930 में हुआ। और जैसा कि आपने अभी देखा होगा, उनका हाल ही में निधन हो गया। ऑलराइट, कुछ चीज़ें आप बता दें। जब ये दूसरा पड़ाव पार करता है जो भी खिलाड़ी, तो हमारा जो 17वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, तिलिस्मी तिजोरी, ये उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़ रुपए का। और साथ में 15वें प्रश्न पर 75
लाख का जो है धन अमृत पड़ाव इसको हम कहते हैं, वो कभी द्वार भी खुल जाए। समय की कोई पाबंदी नहीं है, प्रत्येक प्रश्न का आप समय लेकर के उत्तर दे सकते हैं। एक लाइफलाइन, महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए प्रख्यात आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ग्यारह की अ शॉट एट हिस्ट्री किस प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व द्वारा लिखित एक आत्मकथा है? अ शॉट एट हिस्ट्री इज एन ऑटोबायोग्राफिकल 2011 बुक बाय विच फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। किताबें वगैरह आप पढ़ते हैं और आपके ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर, ए जसपाल राणा, बी अभिनव बिंद्रा, सी साइना नेहवाल, डी कर्णम मलेश्वरी। अ शॉट एट हिस्ट्री, समय समय आपके पास, सोच लीजिए। बुक का नाम शॉर्ट एट हिस्ट्री लग के शूटिंग का लग रहा है, कर्णम मलेश्वरी तो नहीं थी, साइना नेहवाल बैडमिंटन में उन्होंने ओलंपिक्स में जीता था, जिसका आंसर बी अभिनव बिंद्रा लग रहा है, बिकॉज वो ओलंपिक्स में भी उन्होंने गोल्ड जीता है इंडिया में, शूटिंग के गेम में उन्होंने जीता था, इसका आंसर बी अभिनव बिंद्रा। ताला लगा दे। लगा दे ताला? यस सर। सोच लिया? यस सर। कमिटी महाशय ज्ञाननाथ जी, बी अभिनव बिंद्रा, ताला लगा जाए। प्रख्यात आपको बता दें कि ये जो सवाल होता है ये नो रिस्क पे होता है, यानी अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ हारेंगे नहीं। आप 3-20 जीत रहे थे और आपने जो उत्तर दिया है वो सही जवाब है आपका। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत इंडिविजुअल ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने। माय ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड इस पुस्तक का सबटाइटल है और आपने सही पकड़ा, शॉट एट हिस्ट्री। शॉट जो है उसका संबंध शूटिंग से है और आपने उसको क्या। ऑलराइट प्रख्यात भाई साहब, 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। जी सर। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, क्या वजह है कि आप इतने शांत रहते हैं? बचपन से ही ऐसे हैं या? जी सर, बचपन से ही ऐसा, मतलब काफी पढ़ाई में बिजी रहता था तो घर पे रहता था, स्कूल में दोस्त है ऐसे हाँ। नहीं कि दोस्त नहीं है, पर हाँ दोस्तों के साथ ही, ऐसे नहीं कि काफी लोगों के साथ घुल मिल के, कुछ चुनिंदे क्लोज फ्रेंड्स रहते तो उनके साथ ही काफी ओपन रहता हूँ वैसा। ऐसे नहीं कह रहे हैं कि जो लोग और नहीं, नहीं, मिलते जुलते हैं वो अच्छे नहीं है। मम्मी कहती है कि काफी, बहन भी कहती है जब वो अपने दोस्तों से मिलाती है तो ओपन हो, उनसे बातें कर, टाइम लगता है। कोई बात नहीं, अच्छी आदत है ये। जी सर। क्या है सर, धन जब आ जाता है ना तो बहुत सी चीजें खुल जाती हैं, दिमाग वाग सब खुल जाता है। है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जो भी आपने सोच रखा है घर के बारे में, बहन की शादी के बारे में, वो सब पूरी हो। 12वां प्रश्न आएगा, 12,50,000 रुपए। रेडी प्रख्यात? यस सर। 12th क्वेश्चन, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। कौन से भगवान ऋषि वाल्मीकि के सामने प्रकट हुए और उन्हें रामायण लिखने को कहा था? विच गॉड अपियर्ड बिफोर सेज वाल्मीकि एंड आस्क्ड हिम टू राइट द रामायण। अंग्रेजी में रामायणा लिखते हैं वो हमको पसंद नहीं है। नहीं। रामायण हिमालयस बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन है दरअसल हिमालय।
कौन से भगवान ऋषि वाल्मीकि के सामने प्रकट हुए और उन्हें रामायण लिखने को कहा था? ए लॉर्ड राम, बी लॉर्ड शिव, सी लॉर्ड विष्णु या डी लॉर्ड ब्रह्मा। भगवान राम, भगवान शिव, भगवान विष्णु या भगवान ब्रह्मा? सुना हो, पढ़ा हो? सर ये पढ़ा है, बट पढ़ा हुआ है। अपने माताजी ने कभी बचपन में सिखाया हो? देखा बताया है, रामायण, रामायण देखा भी है। हाँ, तब तो आपको आना चाहिए इसका उत्तर। कौन से भगवान ऋषि वाल्मीकि के सामने प्रकट हुए और उन्हें रामायण लिखने को कहा था? लॉर्ड शिवा और ब्रह्मा में कंफ्यूजन हो रहा है। समय समय आपके पास, सोच सकते हैं आप इसका उत्तर। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, तो आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड। यस सर, इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। और जो तीन नाम प्रख्यात ने कहे थे उनको दिखाया जाए। ये हैं वो तीन नाम प्रख्यात, मीत शाह हैं, प्रवीण विश्वकर्मा हैं और रोशनी शिंदे जी हैं। सर मैं मीत शाह को फोन कर। मीत शाह को? यस सर। ऑलराइट, ये आपके मित्र हैं? यस सर। ऑलराइट, तो मीत शाह को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये यही आपके साथ महाराष्ट्र में है? यस सर, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आपके बेस्ट फ्रेंड है, ऑलराइट, अच्छे मीत हैं आपके ये। ऑलराइट, मीत शाह, मीत जी प्रणाम करता हूं आपको। आपके मित्र हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं प्रख्यात शेट्टी जी, हॉट सीट पर आ गए हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल की इन्होंने, तो एक प्रश्न पढ़ेंगे ये अभी, उसके चार ऑप्शंस हैं, आप बताइए इनको सही क्या है। अगली आवाज होगी प्रख्यात की। प्रख्यात, आपका समय शुरू होता है अब। मीत, विच गॉड अपीयर्ड बिफोर सेज वाल्मीकि एंड आस्क्ड हिम टू राइट द रामायण? ए लॉर्ड रामा, बी लॉर्ड शिवा, सी लॉर्ड विष्णु या बी लॉर्ड ब्रह्मा? विच गॉड अपीयर्ड बिफोर सेज वाल्मीकि एंड आस्क्ड हिम टू राइट द रामायण? I think it should be D. I'm 80% sure, but I think it is D. Which Lord? Shiva or Brahma? Lord Brahma. Lord Brahma. Okay. Are you sure? 80% sure. Okay. क्या करेंगे प्रख्यात? मुझे भी लॉर्ड शिवा एंड ब्रह्मा में ही कंफ्यूजन था, लॉर्ड ब्रह्मा लग रहा है। सर आई विल गो विद दी लॉर्ड ब्रह्मा। दी के साथ जाएंगे? यस सर। मित्र पे भरोसा कर दिया आपने? यस सर। 80% कहा था उन्होंने। ऑलराइट, क्या करें? दी लॉर्ड ब्रह्मा को लॉक किया जाए। डी को ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए डी पे। आप दो में आपको संदेह था, लॉर्ड शिव और लॉर्ड ब्रह्मा। यस सर। मीत जी भी कह रहे थे 80%, 80%। मान्यवर, हम भी आपके साथ, आपकी सोच में सहमत थे कि दो में हो सकता है, लॉर्ड शिव या लॉर्ड ब्रह्मा। उन्होंने कहा लॉर्ड ब्रह्मा। आप लॉर्ड शिवा बोलते ना सर तो आप गलत होते। ये सही जवाब है। थैंक्स। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। थैंक्स। जब ऋषि वाल्मीकि ने एक क्रौंच पक्षी की मृत्यु देखी तो उन्होंने भावुक होकर एक श्लोक का उच्चारण किया और बाद में भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें रामायण लिखने के लिए उसी शैली का उपयोग करने के लिए कहा जिसमें यह श्लोक कहा गया था। वाल्मीकि रामायण जो है उसी शैली में लिखी गई है। प्रख्यात, कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है आपके पास, तीनों चली गई। 13वां प्रश्न, 25,00,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से प्रचलित जेसी थॉमस किस मिसाइल के विकास के दौरान प्रोजेक्ट निदेशक के पद पर थी? नोन एज इंडियाज मिसाइल वुमन जेसी थॉमस वर्क्ड एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन डेवलपिंग व्हिच मिसाइल? ओके, यस सर। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए ब्रह्मोस द सेकेंड और ब्रह्मोस टू, बी आकाश वन, सी अग्नि फोर या डी नाग थ्री। ब्रह्मोस द्वितीय, आकाश प्रथम, अग्नि चतुर्थ या नाग तृतीय। Known as India's missile woman, Tessie Thomas worked as the project director in developing which of these missiles? BrahMos 2, Akash 1, Agni 4, or was it Nag 3? So school mein hame inke bare mein padhaya tha, inke ye Kerala se belong karti hai and wo Tumba jo space research center hai Tiruvananthapuram, वहाँ पे उनके आसपास इनका जन्म हुआ था, तो बचपन से इन्हें मिसाइल्स का और रॉकेट एस्ट्रोनॉमिक्स का शौक था। इसके ना पढ़ा था, मोस्टली अग्नि फोर लग रहा मुझे, सी मैं 100% श्योर नहीं। समय है आपके पास, सोच लीजिए। ओके, मुझे अग्नि फोर लग रहा है बट पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हूं। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 320 पर। किसी भी समय आप क्विट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उत्तर मालूम है, अगर आपको ने कहा और वो लॉक किया और वो सही हो गया तो 25 लाख रुपए जीत जाएंगे। अग्नि फोर लग रहा है बट 1250 भी काफी बड़ा अमाउंट है, रिस्क लू की नहीं समझ नहीं आ रहा। सोच लीजिए, आपने कहा था कि आपने स्कूल में आपको बताया गया था इसके बारे में। सर अग्नि फोर के अग्नि मिशन के टाइम पे अग्नि 1-5 जो था उसमें इनका काफी बड़ा रोल रहा है। अग्नि फोर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही है कि नहीं उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। सही जवाब 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320। क्विट करेंगे 1250 जीत रहे, कोई लाइफलाइन नहीं। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। सर गो विद सी। विल गो विद सी। यस सर। सोच लिया? यस सर, आई एम श्योर। क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर। बहुत सोच विचार के बाद प्रख्यात कह रहे हैं सी अग्नि फोर पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक सी अग्नि फोर। प्रतीक्षा जी बताइए, ये रिस्क लेना चाहिए था उनको या नहीं? सर आई थिंक क्या उसे रिस्क लेना चाहिए था। रिस्क लेना चाहिए था। यस या आई टोटली सपोर्ट हिज डिसीजन। वो कह रहे हैं आपको रिस्क लेना चाहिए था। मान्यवर आपने बिल्कुल सही लिया है रिस्क। वेल प्लेड, वेल डन, वेल प्लेड प्रजात। वो अग्नि फोर एक लाइट वेट मिसाइल है और जिसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन होता है। इसकी रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर तक की है। डॉक्टर थॉमस डीआरडीओ में
डायरेक्टर जनरल एरोनॉटिकल सिस्टम्स में है, मिसाइल मैन के नाम से तो जैसा आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बिल्कुल प्रसिद्ध हैं. बट दिस वॉज अ ब्यूटिफुल आंसर, वेल प्लेड प्रख्या. थैंक यू, थैंक यू. स्कूल में जो आपने सीखा था वो देखिए याद आ गया. सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी. ये अमाउंट काफ़ी बड़ा है. अभी तक मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो कुछ एक हमें स्टाइपेंड करके मिलता है. तो जब मुझे पहला स्टाइपेंड आया था तो मैंने मेरी मॉम के लिए एक वॉच गिफ्ट किया था. ओके. तो ये 25 लाख उनके लिए मैं उनको ये एंटायर डेडिकेट कर दिया है. यस सर, यस सर. बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने माता जी के बारे में सोचा है. माता जी आपको गर्व होना चाहिए अपने सुपुत्र पर. इतनी कम उम्र में बहुत कम संतानें होती हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं अपने मन में. आमतौर पर ऐसा लगता है कि हम अपने ऊपर ही खर्च कर देंगे, लेकिन आपने अपने परिवार के बारे में सोचा. बहुत अच्छी बात. वेल डन प्रख्यात. ओके सर, एक क्वेश्चन आपसे भी है जी? कि जब आपकी पहली कमाई हुई थी तो आपने क्या किया? मेरी पहली कमाई? हाँ नहीं सर, क्या है कि यही सोचते हैं हम लोग कि माता पिता को समर्पित कर दे. तो जो पहली कमाई थी उससे हमने यही किया कि बाबूजी के लिए, माँ जी के लिए कुछ खरीद के ले गए. और हमारी पहली नौकरी जो थी वो कलकत्ते में एक हम एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे. तो पहली कमाई के बाद जब हमको छुट्टी मिली तो सामान वान बांध दिया, गिफ्ट विफ्ट ले करके सामान में रख दिया. नहाने गए, सामान वान बांधा, गाड़ी में बैठ गए और पहुँच गए दिल्ली. पहुँच करके बड़े गर्व से हमने कहा, बाबू जी ये हमारी पहली कमाई है, ये रहा गिफ्ट. एक घड़ी खरीदी थी हमने उनके साथ. लेकिन भाई साहब कहानी में थोड़ी सी निराशजनक हो गया. वो डिब्बा खोला तो घड़ी गायब. हम जब नहाने गए थे ना, तो जो हमारा नौकर था उसने चुरा लिया उसको. बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ. लेकिन सबसे पहले आप जैसे कह रहे थे, सोचा हमने अपने परिवार के बारे. 1944 में किस रॉयल इंडियन नेवी युद्ध पोत ने संयुक्त रूप से जापानी पनडुब्बी RO-110 पर हमला कर उसे डुबाया था? विच रॉयल इंडियन नेवी वॉरशिप वॉज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंकिंग ऑफ द जापानी सबमरीन RO-110 इन द ईयर 1944? ऑप्शन सुनिए. ए HMIS जुमना या जमना, बी HMIS रत्नागिरी, सी HMIS पार्वती, और इज इट डी HMIS लीलावती. विच रॉयल इंडियन नेवी वॉरशिप was jointly responsible for the sinking of the Japanese submarine RO-110 in the year 1944. Prakhyat, sahi uttar ho gaya to aap jeetenge 50 lakh. Galat ho gaya to aap bahut sari dhanrashi haar jayenge, niche aa jayenge 320. Lekin sahi ho gaya to aap 50 lakh jeet jayenge. Koi lifeline nahi aapke paas. Kabhi bhi aap quit karenge to aap 25 lakh rupaye yahan se nishchit roop se le jayenge. 1944 में किस रॉयल इंडियन नेवी युद्ध पोत ने संयुक्त रूप से जापानी पनडुब्बी RO-110 पर हमला कर उसे डुबोया था? वॉज इट ए HMIS जमुना, वॉज इट बी HMIS रत्नागिरी, वॉज इट सी HMIS पार्वती, या वॉज इट डी HMIS लीलावती? समय समय आपके पास, सोच लीजिए. इसके बारे में पढ़ा था जब वर्ल्ड वॉर के इसी टाइम का स्टोरी है. सर स्कूल में पढ़ा था इस बारे में. HMIS रत्नागिरी लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, बट श्योर नहीं. केवल इतना कह रहे हैं अगर यहां गलत हो गया तो आप 25 लाख से नीचे आ जाएंगे 320 पर.
सो मैं इंटायर 100% श्योर नहीं हूँ, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा. आई विल क्विट सर. ओके प्रख्यात, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें. एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन कर दें. 25 लाख रुपए आप जीतते हैं प्रख्यात. तो देवेंद्र साहब, अब हम इस ऐप द्वारा आपकी जीती हुई जो धनराशि है इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं. आपका नाम आ गया प्रख्यात शेट्टी, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 25 लाख रुपए भर दिए उसमें. 1, 2, 3, 4, 5 सही भरा है? यस सर. सीए कर रहे हैं आप, आपको तो मालूम होना चाहिए. कंफर्म करते हैं इसको और यकीन मानिए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 25 लाख रुपए बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. वेल प्लेड प्रख्यात, बहुत बहुत बधाई आपको. जाने से पहले किसी एक को गेस कीजिए, इसका उत्तर बताना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो जनता है और यहाँ की जनता जानना चाहेगी. सर बी एच एम आई एस रत्नागिरी को. बी एच एम आई एस रत्नागिरी पे ताला लगा जाए. भाई साहब अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता. सही है एच एम आई एस जमुना. 2 ऑस्ट्रेलियन वॉरशिप्स के साथ एच एम आई एस जमुना ने जापानी पनडुब्बी आर ओ 110 को वाइजागापट्टनम, उस समय वाइजागापट्टनम बोलते थे, ओके, से 20 मील दक्षिण पूर्व में उसको डुबो दिया. इससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग जो था वो क्लियर रखने में उनको सहायता मिली. तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर जोर से. कम प्रख्यात.